नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इसराइल और हमास के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और दोनों के बीच लगी आग सीरिया तक भी पहुंच चुकी है। अक्टूबर की शुरुआत में शुरू हुए युद्ध के बाद से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है तो सार्वजनिक संपत्तियों का भी भारी नुकसान हुआ है। हमास ने अचानक हमला क्या किया? इसराइल ने करारा जवाब देते हुए इस फिलिस्तीनी आतंकी ग्रुप के ठिकाने पर बुरी तबाही मचाई है। इसराइल के चौतरफा बार से जहाँ लोग खाने से लेकर दवा तक के लिए मोहताज हैं, तो वहीं हमास को आर्थिक रूप से भी ऐसा नुकसान पहुंचा है कि वो उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीते 7 अक्टूबर को हमास की ओर से कथित तौर पर इजराइल पर ताबड़तोड़ 5,000 रॉकेट दागे गए और कत्लेआम मचाया गया, लेकिन इसके जवाब में इजराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया वो अभी भी जारी है। इजरायली बमबारी में हमास का ठिकाना गाजा पट्टी खंडहर में तब्दील हो गया है और वहां के लोग खाने पीने से लेकर बिजली दवाइयों तक के लिए मोहताज हो गए हैं।